स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 यूपी बोर्ड का शॉर्ट स्टोरीज का चैप्टर 2, जिसका नाम है आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल बाद, और इसके राइटर हैं ओ हेनरी। की कहानियां बहुत ही दिलचस्प हुआ करती हैं, बहुत ही रोमांचक हुआ करती हैं। कहानियों में जो शब्द यूज किए जाते हैं वो भी काफी गहरा अर्थ लिए हुए होते हैं, और यह कहानी अपलोड करने में मुझे बेहद खुशी भी हो रही है, क्योंकि इस स्टोरी को अपलोड करने के लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आफ्टर 20 इयर्स को जल्द से जल्द अपलोड करूं। तो आपका रिक्वेस्ट, आपका आदेश शर्मा थे। और यह कहानी दो दोस्तों की है जो 18 और 20 वर्ष के थे, एक साथ रहते थे। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि 20 साल के लिए वे अलग हो जाएंगे और अपना भाग्य बनाएंगे, अपना जीवन बनाएंगे। 20 साल के बाद वे फिर मिलेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ हासिल किया, क्या कुछ पाया। 20 साल बाद वे मिलते भी हैं, और फिर क्या होता है, कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है, यह आप पूरी कहानी पढ़ने सुनने के बाद जान पाएंगे। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। ऑन द बीट का अर्थ है गश्त पर, एवेन्यू का अर्थ है गली, इम्प्रेसिवली का अर्थ है प्रभावशाली तरीके से। पुलिस वाला गली में गश्त पर था और प्रभावशाली तरीके से था, प्रभावशाली तरीके से गश्त लगा रहा था। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर सो फॉर इंस्पेक्टर वेयर फ्यू। और यह जो प्रभाव था पुलिस वाले का उसके व्यक्तित्व में, वह उसका हैबिचुअल था, आदत थी प्रभावशाली दिखना, उसका स्वभाव था, न कि वह दिखावा कर रहा था। और वहां पे देखने वाले भी बहुत कम ही थे। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट। रात के लगभग 10 बजे थे। बट चिली गस्ट ऑफ विंड विथ ए टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेल नाई पीपल द स्ट्रीट। वेल नाई का अर्थ है अधिकांश, डी पीपल का अर्थ है निर्जन कर देना, लोगों को कम कर देना। लेकिन यह जो ठंडी हवा का झोंका था, जिसमें बारिश भी शामिल थी, ठंडी हवा के झोंका में बारिश भी हो रही थी, उसने, इस ठंडी हवा के झोंके ने उस गली को निर्जन कर दिया था। अधिकांश गली निर्जन ही दिख रही थी। ट्राइंग डोर एस ही वेंट ट्विडलिंग हिज क्लब विथ मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट। ट्राइंग डोर एस ही वेंट, वह हर दरवाजे पर सावधानी से देखता था। ट्विडलिंग हिज क्लब, अपनी छड़ी को तेजी से घुमा रहा था। क्लब का अर्थ है छड़ी, मोटी छड़ी या डंडा। ट्विडलिंग का अर्थ है तेजी से घुमाना। विथ मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट, और जो यह अपने डंडे को घुमा रहा था वो बहुत ही जटिल तरीका था, कई जटिल तरीकों से और कलात्मक तरीके से घुमा रहा था। टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक दो फेयर। पैसिफिक दो फेयर का अर्थ है सुनसान रास्ता। टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट, घूमते हुए और अपनी आंखों को ध्यान से, कास्ट हिज वॉचफुल आई का अर्थ है ध्यान से देखना, घूमते हुए और वो अपनी आंखों को उस सुनसान रास्ते पर ध्यान से लगाए हुए था। द ऑफिसर विथ हिज स्टालवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वैगर मेड ए फाइन पिक्चर ऑफ ए गार्जियन ऑफ द पीस। स्टालवर्ट फॉर्म का अर्थ है बलिष्ठ शरीर, और स्वैगर का अर्थ है गर्वपूर्वक चलना। तो एक बलिष्ठ शरीर वाला जो थोड़ा गर्वपूर्वक चल रहा था, एक ऐसी छवि बना रहा था जैसे कि वह शांति का अभिभावक हो, शांति की देखरेख करने वाला आदर्श रूप में हो।
The vicinity was one that kept early hours. विसिनिटी का अर्थ है पड़ोस. द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स. जो पड़ोस के लोग थे वे जल्द ही सो गए थे. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट ऑफ ए सिगार स्टोर आर ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर बट मेजोरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड. अब वहाँ पे आप सिर्फ देख सकते हैं कुछ सिगार के स्टोर्स, सिगरेट के दुकानें जिन पे लाइट जल रही थी, या फिर पूरी रात चलने वाले लंच के दुकान, ऐसी दुकानें जहाँ रात भर भोजन मिलता है, ऐसी दुकानें आप वहाँ देख सकते थे. बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस. लेकिन वहाँ पे जितने दरवाजे थे उसमें से अधिकांश व्यापारिक स्थान थे. दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड. जो बहुत पहले ही बंद हो चुके थे. व्हेन अबाउट मिडवे ऑफ ए सर्टेन ब्लॉक द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक. एक ब्लॉक से एक ब्लॉक में जब बीच रास्ते पे पुलिस वाला था तो अचानक अपने गति को, अपनी चाल को थोड़ा धीरा कर देता है. इन द डोरवे ऑफ ए डार्केंड हार्डवेयर स्टोर ए मैन लीन्ड. जहाँ पे अंधेरे में एक हार्डवेयर की दुकान पर एक आदमी झुका हुआ था. एंड विथ एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ. और उस आदमी के मुंह में एक सिगार थी जो जल नहीं रही थी. एज द पुलिस मैन वॉक्ड अप टू हिम द मैन स्पोक अप क्विकली. जैसे ही पुलिस वाला उसकी तरफ बढ़ा वह आदमी जल्दी से बोला, इट इज ऑल राइट ऑफिसर ही सेड रीअश्योरिंगली. उस झुके हुए व्यक्ति ने जो स्टोर के पास था उसने कहा, ऑफिसर सब कुछ ठीक है. उसको सुनिश्चित करते हुए, पुलिस वाले को सुनिश्चित करते हुए कहा कि ऑफिसर सब कुछ ठीक है. आई एम वेटिंग फॉर ए फ्रेंड. मैं यहाँ पर एक मित्र का इंतजार कर रहा हूँ. इट इज एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर एगो. और यह जो अपॉइंटमेंट है, यह जो मिलने का वादा है, 20 साल पहले किया गया था. साउंड्स ए लिटिल फनी टू यू. और यह बात आपके लिए थोड़ी हास्यास्पद होगी, थोड़ी विचित्र होगी. डज नॉट इट. क्या यह आपके लिए ऐसा नहीं है? वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेड सर्टेन इट इज ऑल राइट. मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा यदि आप समझते हैं कि सब कुछ सामान्य है तो. अबाउट दैट लॉन्ग एगो देयर यूज टू बी ए रेस्टोरा वेयर दिस स्टोर स्टैंड बिग जू ब्राइबीज रेस्टो ब्राइबीज रेस्तरा. बहुत समय पहले की बात है. यहाँ पे जो यह स्टोर है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, रेस्तरा हुआ करता था, जिसका नाम था बिग जू ब्राइबीज रेस्तरा. अंटिल 5 ईयर एगो सेड द पुलिसमैन इट वॉज टॉर्न डाउन देन. पुलिस वाले ने कहा कि 5 साल पहले ही वह रेस्तरा बंद हो गया. द मैन इन द डोरवे स्ट्रक ए मैच एंड लीट हिज सिगार. वह आदमी जो डोरवे पे था, उस अंधेरे में दरवाजे पे था स्टोर के पास, उसने अपनी मैच को, अपनी माचिस को जलाया और फिर उससे अपनी सिगार को जलाया. द लाइट शोड ए पेल स्क्वायर जॉड फेस विथ कीन आईज एंड लिटिल क्वाइट स्केयर नियर हिज राइट आईब्रो. और मैच स्टिक के जलने से जो लाइट हुई उसमें एक पीला चपटा या चकोर जबड़ा वाला चेहरा दिखा, जिसमें तेज आंखें थीं, विद कीन आई, एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें तेज थीं, एंड ए लिटिल व्हाइट स्केयर नियर हिज आई राइट आईब्रो. और उसके राइट आईब्रो दाहिनी भौं के नीचे, दाहिनी भौं के पास एक छोटा सा सफेद रंग का घाव का निशान भी था. स्केयर का अर्थ है घाव. हिज स्कार्फ पिन वाज ए लार्ज डायमंड. और उसका जो स्कार्फ का पिन था वह एक बड़ा सा डायमंड था, बड़ा सा हीरा था. ऑडली सेट, जिसको अनोखे ढंग से सेट किया गया था. 20 ईयर्स एगो टू नाइट सेट द मैन. उस आदमी ने कहा कि 20 साल पहले
कि रात को आई डाइंड हियर एट बिग जू ब्रेडीज विथ जिमी वेल्स। 20 साल पहले की रात थी, मैं यहाँ अपने मित्र जिमी वेल्स के साथ बिग जू में रात का भोजन किया था। माय बेस्ट चन एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड। चन का अर्थ है घनिष्ठ मित्र और चैप का अर्थ है लड़का। जिमी वेल्स जो कि मेरा घनिष्ठ मित्र है और यह इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था। ही एंड आई वेयर रेज्ड हियर इन न्यू यॉर्क। मैं और जिमी वेल्स न्यूयॉर्क में बड़ा हुए। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, ठीक दो भाइयों की तरह, टुगेदर साथ साथ। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। और अगली सुबह मैं पश्चिम की तरफ चल दिया अपना नसीब बनाने, अपना जीवन बनाने। फॉर्चून का अर्थ है भाग्य। यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क। आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा सकते। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। वो सोचा करता था कि यही एकमात्र स्थान है अर्थ पर, मतलब वो न्यूयॉर्क को ही सबसे बेहतर स्थान मानता था। वेल वी एग्रीड दैट नाइट that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our condition might be or from what distance we might have to come। और हम लोगों ने इस बात पे सहमति की कि हम लोग यहाँ पे फिर से ठीक 20 साल बाद इसी तारीख पर, इसी समय पर मिलेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उस समय हमारी स्थिति कैसी होगी और हम कितनी दूर होंगे, बस हमको 20 साल बाद यहाँ पे आना है और मिलना है। वी फिगर दैट इन 20 ईयर्स ईच ऑफ अस ऑट टू हैव आवर डेस्टिनी वर्कड आउट एंड आवर फॉर्चून मेड वट एवर दे वे आर गोइंग टू बी। फिगर का अर्थ है अनुमान लगाना। हम लोगों ने अनुमान लगाया कि 20 साल हमें अपना भाग्य बनाने के लिए काफी होने चाहिए। एंड आवर फॉर्चून मेड, और इतने समय में हम अपना भाग्य बना लेंगे, अपना जीवन बना लेंगे। वॉट एवर दे वेर गोइंग टू बी, वो जो कुछ भी करने जा रहे हों, पर 20 साल काफी होता है अपना भाग्य बनाने के लिए। इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग, सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा कि यह सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। रेदर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स दो इट सीम टू मी। हैव नॉट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। रेदर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, मुलाकात हुए काफी लंबा समय हो चुका है, दो इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे जान पड़ता है। हैव नॉट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। क्या तुमने अपने मित्र के बारे में कभी कुछ सुना, उसकी खोज खबर ली जब तुम उससे अलग हुए उसके बाद। वेल यस, फॉर ए टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेंट। हाँ, एक समय था जब हम लोग पत्राचार करते थे, सेड द अदर, दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। बट आफ्टर ए ईयर आर टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। पर एक या दो साल के बाद हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो गए, ट्रैक हम लोगों का बदल गया। यू सी द वेस्ट इज प्रेटी बिग प्रोपोजिशन एंड आई केप्ट हस्टलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लिवली। जैसा कि आप जानते ही हो कि जो पश्चिम है, वेस्ट है, वो बड़ा व्यस्त स्थान है, और मैं भागता रहा, व्यस्त रहा चारों ओर अपनी अच्छी जीविका के लिए। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज लाइव। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिमी मुझे यहीं मिलेगा अगर यदि वह जिंदा है तो। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। ट्रूएस्ट का मतलब अर्थ है सच्चा, स्टॉन्चेस्ट का अर्थ है गंभीर, ओल्ड चैप मतलब बूढ़ा लड़का इन द वर्ल्ड, संसार में।
इफ ही लाइव, यदि वह जिंदा है तो मुझे यही मिलेगा, क्योंकि वह या जिमी बहुत ही सच्चा, बहुत ही गंभीर और बहुत ही पुराना लड़का है। ही विल नेवर फॉरगेट, वह कभी भूलेगा नहीं। आई केम ए थाउजेंड माइल टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, मैं हजारों मील से इस दरवाजे पर रात में आके खड़ा हुआ हूँ। एंड इट इज वर्थ इफ माई ओल्डर पार्टनर टर्न्स अप, और मेरा आना सफल हो जाएगा यदि मेरा दोस्त आता है तो, मिलता है तो। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट ए हैंडसम वॉच एंड द लीड्स ऑफ द सेट विथ स्मॉल डायमंड्स, उस इंतजार करने वाले व्यक्ति ने एक घड़ी को निकाला, खींचा, अपनी पॉकेट से बाहर किया, जिसके जो ढक्कन थे, जो उसके किनारे थे, लीड्स कार थे, यहाँ पे किनारे से है, उसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। 3 मिनट्स टू 10 ही अनाउंस्ड, उसने कहा कि 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्तरा डोर, यह बिल्कुल 10 बजे का समय था जब हम लोग इस रेस्तरा के दरवाजे से एक दूसरे से जुदा हुए थे, अलग हुए थे। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिड नॉट यू, आस्क द पुलिसमैन। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिड नॉट यू, तुमने वेस्ट में अच्छा किया होगा, क्या तुमने ऐसा नहीं किया, आस्क द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने पूछा। यू बेट, आई होप जिमी हैज डन हाफ एज वेल, अब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम शर्त लगा सकते हो, मैं पूरी आशा करता हूँ, पूरा उम्मीद है कि जिमी मुझसे आधा ही किया होगा, मैंने जितना हासिल किया है जीवन में उसका आधा ही जिमी हासिल कर पाया होगा। ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लॉडर, प्लॉडर का अर्थ है लेजी व्यक्ति, तो वह एक प्रकार का लेजी व्यक्ति था, सुस्त था। दो गुड फेलो एस ही वॉज, लेकिन इसके बावजूद भी वह एक अच्छा मित्र था। आई हैव हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ शार्पेस्ट विट्स, और मैं उसे कम्पीट करना चाहता था, उसे पछाड़ना चाहता था अधिक बुद्धिमत्ता के साथ। शार्पेस्ट विट का मतलब है अधिक बुद्धिमान लोग, तो अधिक बुद्धिमान मैं हूं और मैं उसे पछाड़ना चाहता था। ए मैन गेट्स इन ए ग्रूव इन न्यूयॉर्क, एक आदमी जो निम्न रह गया और बहुत छोटे दशा में रह गया, गेट्स इन ए ग्रूव का अर्थ है निम्न एवं निश्चित दशा, मतलब एक समान योग्यता से जो समान सफलता मिलती है, तो एक व्यक्ति बहुत ही निम्न एवं सामान्य अवस्था में रह गया न्यूयॉर्क में ही। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट ए रेजर एज टू ऑन हिम, यदि वो पश्चिम में गया होता तो वो भी काफी फुर्तीला हुआ होता, काफी तेज़तर्रार हो गया होता। द पुलिसमैन ट्वेल हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और टू, उस पुलिस वाले ने अपने डंडे को एक दो थोड़ा सा घुमाया और एक दो कदम चला। आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, और फिर वो कहा कि मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका मित्र आएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, क्या गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प का अर्थ है क्या आप उसका तभी तक इंतजार करेंगे जो समय आपने दिया था। आई शुड से नॉट, नहीं ऐसा नहीं है, सेड द नेदर, दूसरे ने कहा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, मैं कम से कम उसको आधे घंटे दूंगा, मतलब आधे घंटे तक तो इंतजार करूंगा ही। इज जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ, ही विल बी हियर बाय द टाइम, सो लॉन्ग ऑफिसर। अब उस व्यक्ति ने कहा कि यदि जिमी इस दुनिया में है, जिंदा है, तो वह यहाँ निश्चित आएगा, समय से आएगा ऑफिसर। राइट सर, सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन लॉन्ग हिज बीट ट्राइंग डोर एस ही वेंट। गुड नाइट, शुभरात्रि श्रीमान जी, उस पुलिस वाले ने कहा और अपने गश्त पर निकल गया दरवाजों का निरीक्षण करते हुए। देर वॉज नाउ ए टाइम कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग एंड द विंड हैड रिजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इंटू ए स्टडी ब्लो, अनसर्टेन पफ का अर्थ है अनिश्चित झोंके। देर वॉज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजलिंग फॉलिंग, अब
काफी अच्छी ठंड हो गई थी और बूंदाबांदी भी हो रही थी। एंड द विंड हैड रिजन फ्रॉम इट्स सर्टेन पफ्स इन टू ए स्टडी ब्लो। और जो हवा थी वो अपने अनिश्चित झोंकों की जगह पे एक लगातार बहाव ले चुकी थी। हवा में लगातार बहाव था। द फ्यू फुट पैसेंजर स्टेड इन दैट क्वार्टर हरी डिस्मली एंड साइलेंटली अलोंग विथ कोट कॉलर टर्न हाई एंड पॉकेट हैंड्स। ए फ्यू फुट पैसेंजर कुछ पैदल चलने वाले उत्तेजना में स्टेयर इन कार थे उत्तेजना में दैट क्वार्टर हरी जो उस रास्ते पे तेजी से थे डिसमली उदास भी थे एंड साइलेंटली और शांत भी थे अलोंग विथ कोट कॉलर टर्न हाई। और उनका जो कोट का कॉलर था वो ऊपर ऊपर उठा हुआ था और उनके हाथ कोट के पॉकेट में थे। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट अनसर्टेन ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक हिज सिगार एंड वेटेड। और उस दरवाजे पर उस हार्डवेयर की दुकान पर वह आदमी जो हजारों मील से चल के आया था अपने वादे के मुताबिक मिलने के लिए जो अनिश्चित रूप से मूर्खता की हद तक कहा जा सकता है जो अपने उस मित्र से मिलने आया था जो 20 साल पहले उसका मित्र हुआ करता था उससे मिलने आया था। उस व्यक्ति ने सिगार से धुआं खींचा और इंतजार करता रहा। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड। वह 20 मिनट तक लगभग इंतजार किया। एंड देन ए टॉल मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट विथ कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर्स हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। 20 मिनट बीते होंगे तभी एक लंबा सा आदमी जो ओवरकोट पहने हुए था उसका कॉलर ऊपर की तरफ घुमा हुआ था उसके कानों तक तेजी से उसके विपरीत दिशा से गली में आता हुआ दिखा। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन। वह सीधे सीधे उस इंतजार करने वाले व्यक्ति के पास गया। इज दैट यू बॉब ही आस्क्ड डाउटफुली। उसने संदेह के साथ पूछा क्या तुम बॉब हो। इज दैट यू जिमी वेल क्राइड द मैन इन द डोर। उस आदमी ने जो जो दरवाजे पे खड़ा था उसने चिल्लाते हुए कहा हाँ। उसने कहा इज दैट जिमी वेल। उसने चिल्लाते हुए पूछा क्या तुम जिमी वेल हो। ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल ग्रेस्पिंग बोथ द अदर हैंड विद हिज आर्म। ब्लेस माई हार्ट मेरा सौभाग्य है एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल नया आगंतुक ने कहा। और दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया। इट इज बॉब श्योर एज फेट। यह बॉब का किस्मत है। आई वॉज सर्टेन आई हैड आई वुड फाइंड यू हियर इफ यू वेयर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। मुझे विश्वास था कि मैं तुमको यहाँ पाऊंगा यदि तुम्हारा अस्तित्व रहेगा तो यदि तुम जिंदा रहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ निश्चित रूप से पाऊंगा ऐसा मेरा विश्वास था। वेल 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 20 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम। हाँ 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 20 साल काफी लंबा समय होता है। द ओल्ड रेस्टोरा गॉन बॉब्स। वह जो पुराना रेस्टोरा था वो तो बंद हो गया। आई विश इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर। मैं कामना करता हूँ काश वह बंद नहीं हुआ होता तो हम लोग वहाँ पे एक दूसरा डिनर करते दूसरा रात्रि भोज करते। हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन। पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। पश्चिम में तुमने क्या पाया बूढ़े व्यक्ति। बुली बहुत अच्छा। इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क इट फॉर। अब उस व्यक्ति ने जवाब दिया बॉब ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा और मैं वहाँ हर कुछ पाया या पश्चिम ने मुझे वो हर कुछ चीज़ दिया जो मैं पाना चाहता था। यू हैव रीच्ड लॉर्ड्स जिमी यू हैव चेंज लॉर्ड्स जिमी। जिमी तुम बहुत बदल गए हो। आई नेवर थॉट यू वेयर सो टॉल बाय 2 or 3 inches। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 2 या 3 इंच लंबे हो जाओगे। ओ आई ग्रीव ए बिट आफ्टर वाज आई वॉज 20। हाँ मैं थोड़ा सा लंबा हो गया 20 साल के बाद। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। और जिमी क्या न्यूयॉर्क में तुम अच्छा कर रहे हो।
moderately I have position in one of the city department. अब उस आने वाले आगंतुक ने जवाब दिया बड़े उदारता के साथ, जवाब दिया मॉडरेटली का अर्थ है उदारता के साथ, कि मैं आई हैव पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, मैं शहर के एक डिपार्टमेंट में हूँ। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू ए प्लेस। बॉब आओ, हम एक स्थान पर चलते हैं। आई नो ऑफ एंड हैव ए गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स, मैं उस स्थान को जानता हूँ और वहाँ चलते हैं और एक लंबी बात होगी क्योंकि पुराने समय की बात है तो काफ़ी लंबी बातें होंगी। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट, वे दोनों लोग गली में स्ट्रीट में चलना शुरू कर दिए। आर्म इन आर्म, भुजाओं में भुजाएं थी या हाथों में हाथ थे, जैसे दोस्त हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज ईगोटिज्म इनलार्ज्ड विद बाय सक्सेस, वह व्यक्ति जो पश्चिम से आया हुआ था, अपने अहम में काफ़ी फैला हुआ था, अपनी सफलता के कारण अहम या गर्व में था। वाज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ द कैरियर, वो अपने कैरियर की इतिहास को या कैरियर के इतिहास की जो मुख्य मुख्य बातें थी उससे शुरुआत करता है। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसेंड विथ इंटरेस्ट, जो दूसरा व्यक्ति था सबमर्ज्ड का अर्थ है अधूरा ढका हुआ था अपने ओवरकोट में और उसकी बात को बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड ए ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट, कोने में एक दवा की दुकान थी जो इलेक्ट्रिक लाइट में, बिजली की लाइट में जगमगा रही थी। व्हेन दे केम इनटू दिस ग्लेयर, जब वे दोनों इस चमक में आए, इस प्रकाश में आए, ईच ऑफ देम टर्न सिमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, दोनों एक साथ एक दूसरे के चेहरे की तरफ घूमे एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म, वह व्यक्ति जो पश्चिम से आया हुआ था अचानक ही रुक गया और अपने हाथ को छुड़ा लिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड, उसने झटके में कहा कि तुम जिमी वेल नहीं हो। 20 years इज लॉन्ग टाइम, हालांकि 20 साल बहुत लंबा समय होता है, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज ए मैन्स नोज फ्रॉम रोमन टू ए पग, लेकिन यह समय इतना भी बड़ा नहीं होता, इतना भी ज्यादा नहीं होता कि एक आदमी की नाक रोमन से पग हो जाए। रोमन का अर्थ है रोमन व्यक्तियों की नाक नुकीली होती है, पग का अर्थ है चपटी नाक, और मंगोलों की चपटी नाक होती है। तो जो पश्चिम वाला व्यक्ति था, जो बॉब था, उसका कहना था कि 20 साल इतना भी अधिक नहीं होता कि नोकीली नाक चपटी नाक बन जाए। इट समटाइम्स चेंजेज ए गुड मैन इनटू ए बैड मैन, सेड द टॉल मैन, उस लंबे आदमी ने कहा कि कभी कभी एक अच्छा आदमी भी बुरा आदमी बन जाता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, सिल्की बॉब्स, अब उस लंबे आदमी ने कहा कि सिल्की बॉब्स तुम 10 मिनट से हिरासत में हो। सिल्की कार्ड तो वैसे धनी होता है, तो धनी बॉब तुम 10 मिनट से हिरासत में हो। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर अस सी वांट्स टू हैव ए चैट विथ यू, शिकागो की जो पुलिस है वो सोचती है कि तुम हमारे क्षेत्र में हो और उसने हमें वायर किया है, इन्फॉर्म किया है, सूचित किया है और वह चाहती है तुमसे मिलना, तुमसे वार्तालाप करना। Going quietly, are you? क्या तुम शांति से चलोगे? That's sensible. यही समझदारी होगी। Now before we go on the station here, a note I was asked to hand you. इसके पहले कि हम स्टेशन चलें, पुलिस स्टेशन चलें, इसके पहले मुझे तुम्हें एक नोट देना है, जैसा कि मुझे कहा गया है। You may read it here at the window. तुम इसे इस खिड़की के पास पढ़ सकते हो। It is from पेट्रोलमैन वेल्स, यह उस गश्तकारी वेल्स का है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड हिम, वह व्यक्ति जो पश्चिम से आया हुआ था उसने उस पेपर को खोला, जो उसको दिया गया था उसको खोला। हिज हैंड वॉज स्टडी व्हेन ही बिगेन टू रीड, उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे जब वह पढ़ना शुरू किया। बट इट ट्रेम्बल ए लिटिल बाय द टाइम He had finished. लेकिन जब उसने इस पत्र को पढ़ लिया, समाप्त किया, तो उसका हाथ थोड़ा सा कांप रहा था।
द नोट वॉज रेदर शॉर्ट, और जो नोट था वो बहुत ही छोटा सा था, बॉब बॉब संबोधन लिखा था पत्र में, उस नोट में, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, मैं उस निर्धारित समय पर, मैं समय पर उस निर्धारित स्थान पे था, ऑन टाइम मतलब समय से मैं उस निर्धारित स्थान पे था, जहां हमारा तुम्हारा मिलना निर्धारित था, मैं वहां पे समय से ही था। When you struck the match to light your cigar, जब तुमने अपने मैच को जलाया, अपने सिगार को जलाने के लिए, I saw it was the face of the man wanted in Chicago, मैंने देखा कि यह जो चेहरा है वो शिकागो में